तो हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? होप कि आप लोग सही होंगे, अच्छे होंगे अपने घर में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे झारखंड यूनिवर्सिटी जेयूटी रांची बोर्ड से फर्स्ट सेमेस्टर। तो सब्जेक्ट आपका रहेगा इंजीनियरिंग केमिस्ट्री 1, जिसमें कि आपका पासिंग मार्क्स 26 है, फुल मार्क्स 80 है। और आपको पता ही है इंस्ट्रक्शन, आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में है तो आपको ध्यान से क्या क्या टिप्स है एग्ज़ाम के लिए वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप लोगों को एकदम वीडियो को देखना है सही से। और तो पहला क्वेश्चन आपका रहेगा एमसीक्यू, जिसमें से आपको 8 एमसीक्यू है। आपको सभी एमसीक्यू के आंसर देना है और हर एक एमसीक्यू दो दो मार्क्स के रहेंगे। और आपको टोटल 5 क्वेश्चन बनाना है, जिसमें से पहला क्वेश्चन आपका कंपलसरी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग एमसीक्यू को देखते हैं। और इस एमसीक्यू को आंसर जो भी कमेंट में सारे क्वेश्चन का राइट दे देगा, उसका कमेंट को मैं पिन कर दूंगा, हाईलाइट कर दूंगा। तो आप लोग ट्राई करें कि आंसर राइट दे कमेंट में। ठीक है, तो पहला है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स आउट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन आर कॉल्ड, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आपका ऑप्शन है, आपको दिख रहा है, आप लोग आंसर कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज, तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल, इसमें आपको बताना है इक्विवेलेंट क्या है। चार ऑप्शन दिया गया आपका। नेक्स्ट आपका सल्फाइड ओर मेनली कंसनट्रेटेड बाय, तो सल्फाइड ओर को हम लोग कैसे कंसनट्रेटेड करते हैं, मीन्स कैसे ओर को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो बहुत सारा प्रोसेस है, आपको उसमें से कोई एक प्रोसेस देना है। आपको कुछ टिक किया हुआ दिख रहा है, लेकिन आप लोग अपने हिसाब से, आप जो पढ़ गए हैं उस हिसाब से आंसर कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट आपका है द प्रोसेस ऑफ हीटिंग ऑफ ओर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर बिलो इट्स मीटिंग पॉइंट इज कॉल्ड, उसको हम लोग क्या बोलेंगे ये आपको बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलॉय इज यूज टू मेकिंग बियरिंग्स, बियरिंग्स के लिए कौन सा एलॉय यूज़ करते हैं? मोनोमर्स ऑफ बूना एस रबर आर, तो ये किसका मोनोमर्स है ये आपको बताना है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे आपको दिख रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रीन हाउस गैस, तो आपको बताना ग्रीन हाउस गैस क्या होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड, कौन सा नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है? ये रहा आपका एमसीक्यू, टोटल 8 एमसीक्यू है, जिसमें कि स्टूडेंट को टोटल एमसीक्यू बना देगा तो आपको 16 मार्क इजीली मिल जाएंगे। तो ये आपको छोड़ना ही नहीं है, बहुत इजी रहता है अगर आप लोग बेसिक पढ़ के जा रहे तो। सेकंड आपका क्वेश्चन है एक्सप्लेन बोर्स मॉडल ऑफ एटॉम्स एंड राइट डाउन इट्स लिमिटेशन। बी पार्ट में आपका है राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ क्लोरीन, आयरन का +3 मीन्स कैटायन है, कॉपर +2, ठीक है ये भी कैटायन है, और SPDF नोटेशन विद द हेल्प ऑफ द फ्लो डायग्राम 3 का पार्ट ए है, सो द स्टेज ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ओर्स, और इसके लिए आपको 8 मार्क्स मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन सब बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेज ऑफ एट्रैक्शन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, कैसे हम लोग मेटल्स को ओर से हम लोग उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, ये आपको बताना है फ्लो डायग्राम बना के। नेक्स्ट आपका सो द इन्फॉर्मेशन ऑफ MgO, Na2S, NH3, C2H4 बाय लुईस डॉट फार्मूला, तो ये आपको पार्ट ए भी हो गया 3 का। और आपको ध्यान रखना है जो भी क्वेश्चन आपको टोटल आए, मीन्स पार्ट ए पार्ट बी अच्छा से, वही क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट कीजिए, ताकि एग्जामिनर का एक माइंड सेट हो कि हाँ ये क्वेश्चन, ये जो स्टूडेंट है उसको मीन्स पहले से डिसाइडेड है कि क्या बनाना है। ये नहीं कि आप बना दिए उसके बाद सोच रहे कि नहीं इसका नहीं आ रहा उसमें हमको दो आ रहा, ऐसे नहीं करना, आपको पहले से आपको क्वेश्चन पेपर देख के बनाना है। 4 आपको राइट ऑन द अरेनियस थ्योरी ऑफ आयनाइजेशन, बी आपका एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ड्राई सेल, 5th आपका डिफाइन इलेक्ट्रोलाइसिस एक्सप्लेन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस CuSO4 सॉल्यूशन यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, राइट डाउन द कॉम्पोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डूरा एलमोनियम एंड जर्मन सिल्वर, ये भी आपका दोनों पार्ट 6 6 मार्क्स का है। और सी आपका है एक्सप्लेन पाउडर मेटलर्जी ऑफ एलॉय मेकिंग, ये 4 मार्क्स का मीन्स टोटल 18 मार्क्स का है, मतलब एक क्वेश्चन आपका 16 मार्क्स का है, ये बात आपको ध्यान रखना है। 6 में आपका राइट ऑन द प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन ऑफ ग्लास वूल एंड एवेस्टोस, इसका प्रॉपर्टीज लिखना है। और आपका बी में एक्सप्लेन कंपाउंडिंग ऑफ प्लास्टिक, तो ये दोनों 8 8 मार्क्स का है, मीन्स टोटल 16 मार्क्स हो गया। 7 में आपका है व्हाट डू यू मीन बाय वाटर पॉल्यूशन एक्सप्लेन द कॉज एंड रेमेडियल मेजर ऑफ वाटर पॉल्यूशन, ये आपका 10 मार्क्स का है, तो समझ रहे हैं ना इसमें कितना लिखना है, उसी हिसाब से आपको लिखना है मार्क्स के अकॉर्डिंग। डिस्कस एयर पॉल्यूशन ड्यू टू इंटरनल कंबसन इंजन, तो इसमें आपको 6 मार्क्स मिल जाएगा। और ध्यान रखना है कि आप लोग क्वेश्चन अगर एग्जाम देने जा रहे हैं एक्सटर्नल मीन्स मेन आपका एग्जाम देने जा रहे हैं सेमेस्टर वाला, तो उसमें आपको आंसर शीट जो देगा उसमें आपको मार्जिन देना है, दोनों साइड देना है, ये आपको ध्यान रखना है। 8 आपका राइट शॉर्ट नोट्स, इसमें से आपको कोई भी 4 लिखना है जो आपको आता हो, ग्रीन हाउस इफेक्ट, टेंसाइल स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रोकेमिकल, BOD, NCOD, EBS, एंड डस्टिंग, तो ये 6 में से आपको कोई 4 लिखना है।
ये आपको चार चार मार्क्स का है, चार लिखिएगा 16 मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये आपका टोटल क्वेश्चन है। और आप लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें और अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर जरूर करें, क्योंकि वीडियो आपके लिए बना है और इससे आपको बहुत हेल्प हो रही है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए वीडियो के साथ, नए क्वेश्चन पेपर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।